नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गुरु वृश्चिक राशि में कब प्रवेश करेगा और किन राशियों को यह सबसे ज़्यादा नुकसान देगा, इस बारे में आज जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी आपको समय समय पर हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। हाँ, आपकी ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी मिले, तो प्लीज हमें शेयर करना भी ना भूलें। आइए आज हम बात करते हैं गुरु का वृश्चिक राशि में प्रवेश कब होगा और कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें यह प्रभावित करेगा। तो साथियों, गुरु का वृश्चिक राशि में प्रवेश 11 अक्टूबर 2018 को संध्या के समय 7:20 पर होगा, यानी कि गुरु का प्रवेश वृश्चिक राशि में 11 अक्टूबर 2018 दिन गुरुवार संध्याकालीन 7:20 को होगा और यह तीन राशियों को जबरदस्त नुकसान देगा, बहुत नुकसान देगा। वो तीन राशियां हैं सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि। इन तीन राशियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि नुकसान से बचने का भी उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन तीनों राशि को नुकसान से बचने का भी उपाय बताएंगे, ताकि उन्हें नुकसान ना हो और गुरु का जो कुप्रभाव है वो कम हो। तो साथियों, सिंह राशि वालों का जो चौथा गुरु है वो शुक्र स्थान का है, ऐसे में सिंह राशि वालों को भूमि, भवन और वाहन का कष्ट देगा। यानी कि यदि प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल ना खरीदें। यदि घर बनवाने का विचार कर रहे हैं तो छोड़ दें, अभी ना बनवाएं। चौथे गुरु में घर मत बनवाएं, उसका निर्माण ना करें। यदि गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। माता की ओर से थोड़ा सा कष्ट होगा, उनकी चिंता बनी रहेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु ये हानियां लेकर आएगा। अब आपको बताते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों को आठवां गुरु है, यानी कि मृत्यु स्थानीय गुरु है। ऐसे में मेष राशि वालों को खूब सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। नुकसान तो देगा ही देगा, साथ में दुर्घटनाओं के योग देता है, इसलिए वाहन चलाते समय खूब सावधानी से वाहन चलाएं। अभी तक लापरवाही से आप वाहन चलाते रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है खूब सावधानी से वाहन चलाएं, क्योंकि आपका आठवां गुरु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ जो है किसी वसीयत के पेपर पर साइन मत करें, लॉटरी, जुआ, सट्टा ये हरगिज ना खेलें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो तबीयत, बीमारी, इससे भी जो है बचे रहें। यदि थोड़ी सी भी बीमारी लगे तो डॉक्टर के पास जरूर अपने को दिखाने जाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को 12वां गुरु है, यानी कि इस वर्ष जितना कमाया है वो सब 11 अक्टूबर के बाद गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही खर्च होने की संभावना है। धनु राशि वालों को 12वां गुरु आमदनी के रास्ते बंद करेगा, खर्चों की में अधिकता बढ़ाएगा, पैसे की तंगी लाएगा,
आपसी लोगों से मतभेद कराएगा और कानूनी मामलों में भी उलझा सकता है। तो धनु राशि वाले खूब सावधान रहें, खूब सतर्क रहें। पैसे का लेन देन बिल्कुल किसी भी व्यक्ति से धनु राशि वाले ना करें। यदि जॉब या नौकरी करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि जॉब और नौकरी जाने की भी संभावना है। रहते हुए घर से भी बेदखल होने की संभावनाएं धनु राशि वालों को हो सकती हैं। तो ऐसे में धनु राशि वालों को खूब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वां गुरु उन्हें नुकसान ही नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये तीन राशियां, सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि के लोग खूब सावधान रहें, सतर्क रहें। और अब हम आपको बताएंगे कि ये तीनों राशि के लोग कौन सा ऐसा उपाय करें, रामबाण, जिससे जो है उनका नुकसान ना होने पाए या गुरु का कुप्रभाव कम हो। तो बहुत छोटा, आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। सिंह, मेष और धनु राशि के लोग यदि इस उपाय को करेंगे तो सिंह राशि का चौथा गुरु, मेष राशि का आठवां गुरु और धनु राशि वालों का 12वां गुरु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करना क्या है? सिर्फ गुरुवार के गुरुवार गाय को नैवेद्य देना है, और नैवेद्य में क्या देना है, यानी कि गाय को खिलाना है क्या, आटे के दो पेड़े जैसे गोले करने हैं और उस पर थोड़ी सी हल्दी लगानी है, थोड़ी सी चने की दाल रखनी है और बस गुरुवार को केवल आपको गाय को खाने के लिए देना है। इससे आपका जो गुरु है वो बलवान रहेगा, क्योंकि गुरु जब बलवान नहीं होता तभी उन राशियों को परेशान करता है। और गुरु चौथा, आठवां और बारवां उसमें बल नहीं होता है, इसलिए जो है राशियों को परेशानी होती है। यदि आपका गुरु बलवान है तो आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं, और यानी और यदि गुरु जो है आपका बलहीन है तो नुकसान और हानियां देता है। तो सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले हर गुरुवार को दो पेड़े, आटे के दो पेड़े जैसे गोल पेड़े बनाएं, उस पर चने की दाल और हल्दी रखकर थोड़ी सी गाय को खाने को दें। इतना करने से गुरु का जो कुप्रभाव है उनकी राशियों पर, उसका प्रभाव कम होगा और उनका जो हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है, वो रुकेगा। साथ ही साथ संभव हो सके तो अपने इष्ट देव की आराधना तो करें करें, साथ ही साथ जो है विष्णु का भी ध्यान करें, दत्त का भी ध्यान करें, या आपने किसी को गुरु बना लिया है उसका भी पूजन गुरुवार को कर सकते हैं। तो साथियों, उपाय करें, लाभ लें, ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। एक बार और कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही बहुत सी जानकारियां आपको हम समय समय पर देते हैं और आपको देते रहेंगे। साथ ही आपकी भावना है कि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ हो, तो इसके लिए प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे, सारे कष्टों को दूर करे, आपके घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा कायम रहे, जीवन में जो भी आपके विघ्न हैं सब दूर हो। तो ईश्वर हमेशा आपको सुखी रखे। धन्यवाद।